हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वॉचिंग जर्मन क्लास। आज हम पढ़ेंगे टाइम इन जर्मन। जर्मन में टाइम कैसे बोलते हैं तो इसको हम देखेंगे आज, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइमिंग, ऑफिशियल और अनऑफिशियल टाइमिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप देख रहे हो डी साइट मतलब आर्टिकल है डी और साइट मीन्स टाइम। तो जब हम टाइम पूछते हैं तो इंग्लिश में हम पूछते हैं व्हाट्स द टाइम, हिंदी में बोलते हैं कि टाइम कितना हो रहा है। ऐसे जर्मन में जब हम पूछते हैं तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, वी स्पेट स्टेस। वी स्पेट स्टेस ये एक फ्रेज है, इसको एज इट इज ही लर्न करना है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे होता है, वी फील यूअर स्ट्रेस। तो दोनों का मतलब है कि आप टाइम पूछ रहे हो जर्मन में, कोई भी आप तरीका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो आप लिखोगे एस इस्ट ड्राई ओवर, मीन्स इट इज़ 3 o'clock। आपको ये ध्यान रखना है 3 o'clock है, ये अर्ली मॉर्निंग 3 AM की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि जर्मन में क्या 24 आवर्स क्लॉक होती है। अगर आपको 3 PM बोलना है तो आप 12 + 3 आप बोलोगे फिमसेन 15 असिस्ट फिमसेन ओवर, सो इट मीन्स ऑटोमेटिकली PM, क्योंकि जर्मन में 24 आवर्स क्लॉक यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंडरस्टूड है। अगर आप बोलते हो असिस्ट ड्राई ओवर तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मॉर्निंग या इवनिंग, तो मोस्टली अंडरस्टूड होगा कि ये 3 AM की बात हो रही है। तो आपको अगर 3 PM बोलना है तो आप बोलेंगे 24 आवर्स क्लॉक में 15 ओवर। सपोज आपको बोलना है इट इज़ 7 PM तो आप बोलोगे एस इस्ट तो 7 12 + 7 9 सेन ओवर, ठीक है। एस इस्ट 9 सेन ओवर, एस इस्ट 9 सेन ओवर, इट इज़ 7 PM, ठीक है। तो ये आपका PM हो गया, अंडरस्टूड है ये, क्योंकि आपने 9 सेन लिखा है। अगर आप बोलते हो इट इज़ 10 o'clock तो एस इस्ट तो आएगा ही इट इज़, ठीक है। ये तो स्टार्ट करोगे आप सेन ओवर, ठीक है। तो 10 AM ये हो गया आपका 10 AM। इस तरह से टाइमिंग होता है। तो ये क्वेश्चंस हैं और इस तरह से आपको आंसर में असिस्ट बोलना है, ठीक है। इसमें से आप कोई भी एक पिक कर सकते हो, 1 या 2 कोई भी एक बोल सकते हो, दोनों ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि क्वेश्चंस कैसे बोलना है, उसका आंसर कैसे लिखना है। तो ये जो है ये भी फॉर्मल टाइमिंग है, स्कूल तो फॉर्मल 24 आवर्स क्लॉक में 9 सेन ओवर, ठीक है। स्वानसिश ओवर आई नोन स्वानसिश ओवर, ठीक है। सपोज आपको बोलना है 10 PM तो 10 PM आप कैसे बोलोगे, 12 + 10 तो स्वानसिश ओवर मीन्स ओ क्लॉक, ओवर मीन्स ओ क्लॉक, ठीक है। तो इट इज स्वाय उन स्वानसिश ओवर, एस इस्ट स्वाय उन स्वानसिश ओवर। तो टाइमिंग के लिए सबसे जरूरी है कि आपको काउंटिंग आनी चाहिए, 1 to 24 आवर्स होते हैं, तो 1 to 24 आपको काउंटिंग्स आनी चाहिए जर्मन में कैसे बोलते हैं, तो आप टाइमिंग 50% आप टाइमिंग सीख जाओगे, ठीक है। आप देखते हैं आगे अनऑफिशियल टाइमिंग कैसे बोलते हैं। सपोज जैसे हम बोलते हैं 1:15, 2:30, 2:30 बज रहा है, 2:45 हो रहा है, 4:15 हो रहा है, 4:45 हो रहा है, तो ये कैसे बोलते हैं, ये अनऑफिशियल होता है। तो जर्मन में भी इस तरह से बोलते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। सपोज आपको बोलना है 2:15, फिर आपको बोलना है 2:30, आपको बोलना है 4:45, ये हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं तो आपको समझ आएगा। फिर आपको बोलना है 20। अभी देखिए कैसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, देखिए 4, 9, 30 और फियटल, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फियटल का मतलब होता है क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर कहते हैं। जैसे आपको बोलना है 3:15, 4:45 मतलब 15 less, 5 बजने में 15 कम, या 3:15 एक्स्ट्रा हो गए हैं, ठीक है। तो 15 का जहाँ जहाँ पर यूज़ हो रहा है वहाँ फियटल यूज़ करोगे। सपोज आप बोलना है 5:15, ठीक है, तो फियटल। आपको बोलना है 5:45, ठीक है, 15 कम है 6 o'clock में, 15 minutes less, तो फियटल का यूज़ करोगे जहाँ जहाँ 15 का यूज़ हो रहा है। फिर होता है हाल्फ, हाल्फ मतलब हाफ, जैसे 3:30 में यूज़ होगा,
4:30 में यूज होगा, इस तरह से यूज। अभी कैसे कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा। नाख मतलब होता है आफ्टर और फोर मतलब होता है बिफोर, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मतलब अगर कम है तो माइनस में फोर, और अगर प्लस है 10, जैसे 4:10 तो 10 एक्स्ट्रा है तो नाख लिखोगे, 4:05 कम कम है तो फोर लिखोगे। अब देखते हैं, अब देखिए 2:15, ठीक है, 2:15, तो 2 बज गए, उसके बाद 15 मिनट, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, 15 है तो फिएटल, ठीक है, तो एसिस्ट तो रहेगा, एसिस्ट ये तो आपको लिखना ही है, एसिस्ट फिएटल फिएटल, अब 15 एक्स्ट्रा है तो मतलब प्लस फिएटल नाथ कितना 100 है, ठीक है, फिएटल मतलब प्लस, बताया था मैंने प्लस इस सेंस में प्लस है, 15 प्लस है, 2 बजने के बाद 15 एक्स्ट्रा है। अब देखो फिएटल ही करते हैं अभी, अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो 15 कम है, 5 बजने में 15 कम है, तो आपके लिखो कि एसिस्ट फिएटल मतलब 15, 15 क्वार्टर बोल सकते हो, माइनस हो रहा है कम है कितने में, तो माइनस के लिए 4 लिखोगे, फिएटल 4 फ्यूनफ, 5 बजने में 15 मिनट कम है तो फिएटल 4, 4 मतलब माइनस, ठीक है, फिएटल मतलब 1/4, सो ये माइनस, तो इस तरह से लिखना। अब देखो जैसे ये 5:15 है तो आप बता दोगे फिएटल 15 एक्स्ट्रा है तो नाक कितने में फ्यूनफ, ये हो गया फिएटल नाक फ्यूनफ। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 4 बजने में 5 मिनट कम है, तो 5 मिनट कम है तो 5 को बोलते हैं फ्यूनफ, और कम है तो 4 फ्यूनफ, 4 4 बजे फ्यूनफ 4 फियर, ठीक है, तो माइनस है क्योंकि 4 बजने में 5 मिनट कम है, फ्यूनफ 4 फियर। अब यहाँ पे देखते हैं 10 मिनट एक्स्ट्रा है, 4 बज चुके हैं तो सेन नाक, सेन नाक फियर, नाक मतलब एक्स्ट्रा है, इस तरह से। अब जैसे 20 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो स्वानसिश आपको पता है 20 को बोलते हैं स्वानसिश, अब एक्स्ट्रा है तो नाक कितने में फ्यूनफ, 5 बज चुके हैं, तो आपको पहले राइट साइड पढ़ना है, राइट साइड से चेक करना है, ठीक है। अब जैसे ये 30 है, देखो 30 मतलब हाफ, हाफ अब हाल्फ का यूज़ करना है, 30 है तो एक एक्स्ट्रा पढ़ना है, मतलब हाफ कम है कितने में, 3 बजने में हाफ कम है, तो एसिस्ट हाल्फ ड्राई, हाल्फ ड्राई, तो यहाँ पर मतलब एक एक्स्ट्रा पढ़ना है नंबर 3, 3 बजने में हाफ कम है तो 2:30, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, देखिए अब हाल्फ वाले, ठीक है, अब देखिए 6:30 है तो हाफ कितने में कम है, 7 में, तो एसिस्ट हाल्फ जी वन, ठीक है, 7 में 30 कम है, 4:30 हाल्फ फ्यूनफ, 5 में 30 कम, ठीक है। तो ये होता है आपका इनफॉर्मल टाइमिंग, ये सारा क्या है, इनफॉर्मल 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 टाइमिंग। अगर आपको इसी को फॉर्मल बोलना है तो आप देखिए, तो ये सही है आपका स्वाय, सही है तो सही, ठीक है। जहाँ पीएम आ रहा है, सपोज ये पीएम है, तो इसको 12+5 करना है, क्या बनेगा ये 17 फ्यूमसेन, तो आप बोलोगे एसिस्ट जिप्सेन ओवर फ्यूमसेन, कैसे लिखेंगे, जिप्सेन ओवर फ्यूमसेन, ठीक है। ये जो डॉट्स होती है दो, इसको बोलते हैं ओवर, इसके लिए ओवर यूज़ करते हैं। जैसे अब ये देखिए ये 4:10 है, तो 4:10, ठीक है, ये अपने इनफॉर्मल बोला तो चल जाएगा, ठीक है, 4:10 एसिस्ट फियर सेन नाक फियर, ठीक है, इनफॉर्मल। अब आपको आबेंड बोलना है अगर इवनिंग है, मॉर्गन है तो मॉर्निंग है तो मॉर्गन बोलोगे आप। अब अगर आपको फॉर्मल बनाना है तो इसमें 12 प्लस करोगे तो पीएम बन जाएगा आपका, तो हो जाएगा 16:10, तो कैसे बोलोगे, पहले जैक्सेन ओवर सेन, सिंपल आपको बस काउंटिंग करनी है, जैक्सेन ये डॉट ओवर होता है और सेन, जैक्सेन ओवर सेन, ये आपका क्या है फॉर्मल, ये फॉर्मल है, फॉर्मल टाइम, ठीक है, तो फॉर्मल ऑफिशियल भी बोलते हैं इसको, ऑफिशियल और ये अनऑफिशियल टाइम। तो इस तरह से आपको टाइमिंग पढ़ना है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको वीडियो, टाइमिंग का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है एक और, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे लिंक तो आपको मिल जाएगा। तो ये टाइमिंग होता है किस तरह से आपको टाइम बोलना है जर्मन में, कैसे आपको आंसर देना है, तो ये इस वीडियो में हमने देखा।
आई होप आपको